मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है, मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। विजुअल इम्पैक्ट पर्सन की लाइफ को बना रहे हैं और भी इंटरेस्टिंग और भी खूबसूरत बैक टू बैक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रिप्स के साथ राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स। जी हाँ, अब है आपके लिए मौका दुबई जाने का। डिस्काउंटेड रेट्स पर आप दुबई जा सकते हैं, अपनी फैमिली को भी साथ में ले जा सकते हैं। इस 3 नाइट और 4 डेज के ट्रिप के लिए आपको पे करने होंगे सिर्फ 33,900 रुपीज। जी हाँ, 5,100 रुपीज का मिल रहा है आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सीट्स बहुत ही कम अवेलेबल है, इसलिए अपॉर्चुनिटी को करना होगा जल्दी से ग्रैब। है ना ये सपने को साकार करने जैसा। इस कॉस्ट में आपका वीजा, न्यू दिल्ली से दुबई जाने और वापस आने के एयर टिकट्स, 2 डेज का दुबई में स्टे, 1 डे का अबू धाबी में स्टे, ऑल मील्स इंक्लूडिंग द सिटी टूर ऑफ अबू धाबी एंड दुबई, क्रूज जैसे सफारी, बारबेक्यू और बहुत कुछ। जी, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इससे पहले जो लोग थाईलैंड गए थे उन्होंने किया है बहुत ही एंजॉय। Hi, my name is Pirav Mota. I traveled to Thailand with RSTT this July and it was a very enjoyable moment. It was an independent traveling by myself. Hi, I am Davinder Gupta. Hamara bahut acha tour raha, bahut acche se hum ghume phire wahan pe, kafi sari activities ki aur Amit Jain ji ne bahut acha support kiya hame. Myself Arun Chhaga, Rising Star ke sath jo Thailand ka trip tha, वो मेरा साथ ट्रिप था, हमने बहुत एंजॉय किया। राइजिंग स्टार बहुत अच्छा काम कर रहा है VIs के लिए। तो चलेंगे ना हमारे साथ दुबई, ले लीजिए अपने ऑफिस से ऑफ 26 सितंबर से 29 सितंबर के लिए। ज्यादा जानकारी पाने के लिए और रजिस्टर कराने के लिए कॉल कर सकते हैं 9811419952 पर, या फिर ईमेल कर सकते हैं amitrstt@gmail.com। पर आइए एक और कदम इंक्लूजन की तरफ राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ। कॉलेज में हर सब्जेक्ट की ब्रेल बुक कैरी करना बहुत मुश्किल लगता है ना, और अचानक से कहीं ब्रेल नोट्स बनाने पड़ जाएं, उफ़ो, स्टाइलस तो मैं घर भूल गई। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो हमें आती ही हैं, पर अब कहिए ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बाय बाय, क्योंकि सक्षम और सक्टिक फाउंडेशन आपके लिए लेकर आए हैं ब्रेल मी और ऑर्बिट रीडर 20, वो भी 8,000 की सब्सिडी के साथ। ये दोनों गैजेट्स रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्लेस हैं, जिसकी बैटरी 10 से 15 घंटे तक चलती है। तो अब किसी भी बुक को ब्रेल में पढ़ना, नोट्स लेना और इवन अपने कंप्यूटर और मोबाइल फोन को ब्रेल डिस्प्ले से ऑपरेट करना, ये सब हो गया है बहुत ही आसान। तो आज ही कांटेक्ट कीजिए सक्षम को और रजिस्टर कीजिए रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले के लिए, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर, 8,000 की सब्सिडी के साथ। डिवाइस को ऑपरेट कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस डिवाइस को खरीदने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल कीजिए nupur@skshame.org, या फिर आज ही कॉल करें 011-424-11015 पर। लिमिटेड डिवाइसेज आर अवेलेबल, जल्दी कीजिए, कहीं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना निकल जाए। डिस्क्लेमर,
रेडियो उड़ान और उसकी पूरी टीम आपसे एक विनम्र निवेदन करती है कि अगर आपका दिल कमजोर है तो आप कृपा करके ये एपिसोड आज का ना सुने। दिस एपिसोड is not for those who have a weak heart and it can cause some problems to you. धन्यवाद। आज की कहानी जो है हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर की। और कहा जाता है कि इस मंदिर में जितनी भक्ति है उतना रहस्य भी है, और जिस जगह रहस्य जुड़ जाता है वहां पे लोग जोड़ देते हैं उसके साथ अवकल्पनीय और अंधविश्वास भी कहीं कहीं जुड़ जाता है उसी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट पामरी, लेकर के आया हूँ एक नया एपिसोड आपके फेवरेट शो मानो या ना मानो का। और मेरे साथ है मेरे सहयोगी हमेशा की तरह विनोद सिंह भी। और इस शो में जिसको आप सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर, ये शो में हम चर्चा करते हैं, हम आपको लोगों से मिलवाते हैं, उनकी कहानियां सुनाते हैं जो सुनने में लगती है बिल्कुल अविश्वसनीय अकल्पनीय, दिमाग उन्हें मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन हमेशा की तरह होती हैं वो बिल्कुल सच्ची घटनाएं, सच्ची वाक्या। और लोगों की इन कल्पनाओं के साथ जुड़ जाता है उनका अंधविश्वास भी। लेकिन इस शो में हम पूरी पड़ताल के साथ, पूरी जानकारी के साथ आपको बताते हैं कि उन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना अंधविश्वास। जब तक किसी चीज की गहराई में नहीं उतरते, हम बिल्कुल ये कभी नहीं कह सकते कि लोगों का विश्वास झूठा है या फिर यहाँ पे विश्वास जैसी कोई चीज है नहीं। ये तब तक कहना वाकई में बिल्कुल गलत होगा जब तक कि कुछ वहाँ पर साबित नहीं हो जाता। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें सच कितना है और कल्पना कितनी है। लोग क्यों इतनी श्रद्धा करते हैं, वहाँ पे तंत्र मंत्र भी है, लोगों का विश्वास भी है। चलिए हमारे साथ कामाख्या देवी मंदिर, हम आपको दर्शन कराते हैं और सच से रूबरू कराते हैं। ये स्वर्ग है घोर अघोरियों का, जागृत नगरी है तंत्रों का। धरती सुहागन की, और यहाँ दिखती है ताकत मंत्रों की। जहाँ मंदिर है हर कण कण में, और कण कण में ही है जहाँ पे शंकर। इस जगह है शक्ति, हर एक पत्थर में और हर मूरत में है माया। ऐसा क्या है इस जगह में जहाँ कोने कोने से तांत्रिक और अघोरी चले आते हैं यहाँ पे? कहा जाता है कि माँ जो है यहाँ पे दिव्य रूप में है, लेकिन प्रकाश में उनके दर्शन नहीं किए जा सकते क्योंकि
फिर तो अनिष्ट हो जाएगा। योग मुद्रे नमोस्तुते ओम क्लीम कामाख्ये वरदे देवी। कहा जाता है कि जन्म जन्म के चक्कर से यहाँ पे मुक्ति मिल जाती है, कैसी होगी वो भूमि जहाँ पे हर कण कण माना जाता है कि वो सिद्ध है, और आज हम आपको लिए चल रहे हैं असम के कामाख्या देवी मंदिर। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किनारे लेता है नीलांचल पर्वत अपना विस्तार, एकदम शांत खामोश। लेकिन इसी पर्वत के घने जंगलों के बीच में है माँ कामाख्या देवी का शक्ति पीठ, जहाँ के कि कण कण बिल्कुल अद्भुत अविश्वसनीय और अकल्पनीय। मैं हर साल आता हूँ क्योंकि माँ के ऊपर अगाध विश्वास है मेरा, और यहाँ आने से मन को एक मतलब बहुत शांति और शुद्धि मिलती है मुझे। ये जो मंदिर है ये और मंदिरों से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसकी छत की जो बनावट है वो अलग है, इसकी वास्तुकला अलग है, और जो मुख्य द्वार पर कलाकृतियां बनी हैं वो भी कुछ अलग ही हैं, और सबसे अलग है इस मंदिर का वातावरण। इस मंदिर में जो कबूतर थे वो हाथ लगाने पर भी उड़ नहीं रहे थे, और ऐसे कबूतर जो कि सिर्फ कदमों की आहट से ही उड़ जाते हैं, सब कुछ इस मंदिर में एकदम अद्भुत निराला था। ऐसा माना जाता है, मान्यता है इस मंदिर में कि इसका निर्माण सृष्टि के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा द्वारा खुद ही किया गया था, यानी कि ये मंदिर जो है पौराणिक काल से चला आ रहा है, और इस मंदिर का वर्णन हिंदू पुराणों में भी शक्ति पीठ के रूप में किया जाता है, यानी कि 51 शक्ति पीठों में से एक है ये माँ कामाख्या देवी की शक्ति पीठ। हम लोगों को यहाँ पर काफ़ी श्रद्धा है माँ भगवती के, मतलब हमेशा हर साल हम लोग आते हैं, और यहाँ पर हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कहना चाहिए कि 51 शक्ति पीठ में ये बहुत जागृत तांत्रिक शक्ति पीठ है। माँ कामाख्या देवी का जो सिरा है, दो सिरे जो हैं, एक तरफ तो जीवन की मंगल की आशा से जुड़ा हुआ है, और दूसरा सिरा अलौकिक तंत्र मंत्र और सिद्धियों से जुड़ा है। क्या वाकई इस मंदिर में कुछ ऐसा है जो रहस्यमय है? क्या वाकई इस मंदिर में कोई गुप्त पूजा की जाती है? आइए सुनते हैं मंदिर के जो मेन पुजारी हैं, जिनको तोलई कहा जाता है, उनका क्या कहना है इस शक्ति पीठ के बारे में। शिवजी और सती इसको आधार पर होता है। वह सती था दक्ष का पुत्री, एकदम छोटा, तो उसने शिव जी के साथ ये हो गया है, पानी के लिए और तड़प रहा था, बस इस शिव जी था ध्यान योगी था, इसके लिए क्या हो गया देखिए, जो शिव जी इस पर कोई नजर नहीं देता था। इस मंदिर की कहानी जो है शक्ति पीठों की कहानी से भी ज्यादा पुरानी है, और वो तब की है जब भगवान शंकर का ध्यान देवी सती की ओर ध्यान खींचने के लिए देवताओं ने धरती पे भेजा था खुद कामदेव। इंद्र ने कामदेव को भेजा जो इसको थोड़ा
ये कीजिए, मोल कीजिए। अच्छा, तब ये हो गया कि सत मैं जब कामदेव आया रति का साथ, इसको साथ आया, आखिर जो काम जो बांध है ना वो छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो बसंत आ गया, ऋतु ऋतु बसंत आ गया है, सरोवर में फूल फल ये हो गया, हरा भरा हो गया। तो उसमें महादेव का भी थोड़ा ध्यान भांग गया। तो जब ध्यान भांग गया तो महादेव ने क्रुद्ध हो गया, मदन कामदेव को भस्म कर दिया। जब भस्म कर दिया उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया है, देवता का जो शिल्पी है ना उसको बनाया बुलाया, वो मंदिर का परिकल्पना किया है और इधर में श्री शक्र का ऊपर माँ का मंदिर बना दिया। इस हिसाब से अगर हम देखें तो पौराणिक कथाएं जो थी, जो पुरानी कहानियां थी, उनके अनुसार कामदेव के आह्वान से भगवान विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया था। और आदि काल में कहा जाता है कि इसी जगह पर महासती का महामुद्रा भाग यानी कि योनि का जो भाग होता है वो यहाँ पर गिरा था। यहाँ भगवती का ये शक्ति पीठ है जो भगवती का योनि मुद्रा है, इसीलिए यहाँ पे योनि मुद्रा में मतलब ये जो पूजा होता है ना गुप्त पूजा से होता है। इस मंदिर में जो पूजा की जाती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है जीवन के आगमन का स्वागत और नारी की मातृ शक्ति को समर्पित। मंदिर में आप जहां भी देखें तो वहां पे लाल रंग का प्रयोग अधिक मात्रा में दिखाई देता है, जिसका कि प्रतीक है कि लाल रंग जो प्रतीक है वो है सुहागन का प्रतीक माना जाता है लाल रंग। माँ का तो लाल वस्त्र ही परिधान होता है, जैसे बगला मुखी में पीताम्बरी हलुत वस्त्र पहनता है उसी तरह माँ का लाल वस्त्र अच्छा लगता है, वो लाल कपड़ा भी जजमान भी चढ़ाता है। इस मंदिर में जो पूजा की जाती है वो भी समझ आती है और जो भक्तों का रेला लगा रहता है वो भी समझ आता है, लेकिन इस मंदिर से जुड़ी और भी कितने किस्से कहानी हैं जो सुने और सुनाए जाते हैं लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे उनकी सच्चाई। जहाँ एक तरफ मंदिर में लगी तस्वीरें माता के अलौकिक रूप का वर्णन करती है, वहीं दूसरी तरफ ये कहानियाँ उस मंदिर के अविश्वसनीय पहलू का हिस्सा है। टीम जब उस मंदिर के अंदर कैमरा लेके जाना चाह रही थी तो उन्हें उसकी परमिशन नहीं मिली, यानी कि कैमरा लेकर उस मंदिर में नहीं जा सकते थे। माँ का जो जोनी गुप्तांग जो है ना वो पतित हुआ है, इसको प्रकाश नहीं होता है। देखिए इसको जब प्रकाश करेगा इसको इससे बुरा काम ये हो जाएगा, इफेक्ट पड़ेगा, इवन टॉर्च और बाल भी नहीं देता है। इधर ओनली साथ की ताकि बोला दीप बोलता है ना, दीप जलाता है। इसीलिए आज तक जो भी वहाँ पर गया है जानकारी हासिल करने के लिए वो बिना तस्वीरों के सिर्फ अपने आंखों देखा हाल ही सुनाते हैं। जो टीम वहाँ पर गई थी जानकारी हासिल करने वो प्रवेश द्वार से अंदर एंटर हुई और वहाँ से 10 सीढ़ी वो नीचे उतरी। वहाँ पर रोशनी बहुत कम थी लेकिन जो नेचुरल रोशनी थी उसमें इतना देखा जा सकता था कि वहाँ पर पानी की जो तह है वो हमेशा शीला रूपी माता की जो मूर्ति है उसको नम रखता है। वहाँ पर इन्हें ये भी कहा गया कि मात्र इनके छूने से ही माता के पूर्ण दर्शन की मान्यता रखता है। एक अद्भुत सा अनुभव लेकर टीम वहाँ से बाहर निकली, फिर वो चल पड़े
उस अविश्वास को ढूंढने उस मंदिर के प्रांगण में। 16वीं सदी में इस मंदिर को पूरा तहस नहस कर दिया गया था। पूरी एक सदी के बाद पूंछ विहार के राजा नग नारायण ने इसका निर्माण दोबारा से करवाया, लेकिन इस मंदिर के निर्माण में, इस मंदिर की संरचना में बहुत कुछ ऐसा है जो रहस्य में लिपटा है। इस मंदिर में प्रवेश के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं और मान्यता के अनुसार अगर हम पूर्व की तरफ से अंदर जाते हैं मंदिर में तो धन दौलत की हमें प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा से प्रवेश करने से कहा जाता है कि मोक्ष मिलता है। पश्चिमी द्वार को जहाँ राज्य द्वार कहा जाता है, वहीं दक्षिणी द्वार को मृत्यु का द्वार कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के पास ही एक जगह नजर आती है जो बलि देवी सी दिखाई देती है। कहा तो ये जाता है कि पहले यहाँ पर मनुष्य की बलि दी जाती थी, लेकिन अब जानवरों की बलि दी जाती है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सिर्फ अटकलें हैं, इसकी पूरी तरह से पुष्टि कोई नहीं करता। क्या यहाँ पर बलि देने की जो प्रथा थी वो पहले थी या फिर आज ये प्रथा है या नहीं, इसके बारे में भी वहाँ पर कोई कुछ नहीं कहता। वहाँ पर एक सीढ़ी है जो अधूरी है, वो पूरी नहीं बन पाई है, तो उसके पीछे क्या कहानी है चलिए हम जानते हैं। वो तो नरकासुर ने बनाया था एक रात का अंदर में, तो एक सीढ़ी तो इस तरफ से गुवाहाटी से आने वाला रोड तो बन गया पत्थर का, और एक रास्ता अधूरी हो गया। तभी माँ का शादी करने के लिए मन किया था नरकासुर ने, तो तभी माँ ने, माँ तो छलनामयी है सब मालूम होता है, तो सुबह नहीं होते हुए मुर्गी का रूप धारण करके, कुकरा रूप धारण करके वो बोली बोली लगा दिया, तो अधूरा रह गया वो सीढ़ी का। तो क्या ये वाकई सच है या सिर्फ आस्था है लोगों? लोगों की श्रद्धा जिसे सच मानती है, अगर चाहे तो जो डिबेटर्स है वो उस पर बिल्कुल बहस कर सकते हैं। इतना सब जानने के बाद जब टीम आगे बढ़ी तो जो सच उनके सामने आया वो वाकई में बहुत अद्भुत था। मंदिर में प्रतिक्रमा करते समय टीम को एक कुंड नजर आया। मंदिर में लिहाजा हमेशा बहुत भीड़ हुआ करती थी, लेकिन उस कुंड के पास इक्का दुक्का लोग ही थे जो नजर आ रहे थे। क्या था ये कुंड, क्या है इसका रहस्य? कहा जाता है कि ये तंत्र साधना का एक विशेष स्थल है, और ऐसा मान्यता है कि जब तंत्र विद्या में लीन होते हैं, साधना में लीन होते हैं साधु, तो बिना किसी प्रयास के वो उनका शरीर इस कुंड के पानी के अंदर तैर भी सकता है, फ्लोट भी कर सकता है। लेकिन किसी भी आम इंसान को इजाजत नहीं मिलती उस समय इस कुंड में आने की। जिसे सौभाग्य कुंड कहा जाता है, ऐसा मान्यता है कि इसको इंद्र ने बनवाया था। विश्वेश्वराय नमः।
जो लोग इस मंदिर में पूजा के लिए आते हैं वो पहले इस कुंड में स्नान करते हैं, फिर गणेश वंदना के बाद माँ कामाख्या देवी की पूजा के लिए जाते हैं। जब हमने इस बारे में सवाल किया तो सुनिए वहाँ के लोगों का क्या कहना है। ये सच है, हम लोग सुना है ऐसे हुआ था, जो संदना करना लोग था यहाँ पे हुआ था, लेकिन अभी तो नहीं है। और अब एक मन में एक और सवाल उठ रहा है कि क्या यही सिद्धि तो नहीं है जिसको साधने के लिए दुनिया भर के तांत्रिक यहाँ पे आते हैं इस मंदिर में। यहाँ लोग तंत्र साधना करने के लिए आता है, क्योंकि ये तंत्र का सिद्धि का पीठ माना गया है। जो भी कोई व्यक्ति साधना, एक्चुअली उस वक्त ये गुप्त विद्या होता है, तो उसके लिए पहले मतलब जनरल आदमी उसको नहीं देख सकता है। तंत्र शक्तियों और तंत्र साधना का एक सिरा हमें लेके जाता है उस तरफ जिस तरफ है भूत प्रेत और जिन्नों का संसार। इस मंदिर के बारे में ऐसा भी सुनाई देता है कि ये मंदिर मंत्र शक्तियों से मुक्त हो चुका है। जब भी किसी को इस तरह की समस्या आती है उनकी जिंदगी में, तो वो यहाँ पे आके उस समस्या का अंत पा लेता है। मंदिर में आए लोगों से जब पूछा गया इस बारे में, तो सुनिए उनका क्या कहना है। बचपन से सुनते आए हैं, खास करके बिहार में कहानियों में हमें बताया जाता था कि अगर कोई बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से आत्मा कोई पकड़ लिया या जिन आ गया, तो अगर कहीं नहीं छोड़ रहा है तो कोई मंदिर जाते हैं, जिस मंदिर में सबसे फेमस कामाख्या का नाम सुनने में आता है। बचपन की तो ये तो हमारी बचपन की कहानियाँ थी, लेकिन अब हमें युवा आने पर पता चला कि ये तो कुछ होता नहीं है, जस्ट ये एक अंदर की भावनाएं थी जो हमारे पूर्वजों ने देखे गए हैं। मुझे तो ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, पहली बार आए हैं यहाँ पे, लेकिन अच्छा ही लगा है। हमने जितना सुना था इस मंदिर के बारे में, ना सिर्फ ये मंदिर बल्कि पूरा नीलांचल पर्वत क्षेत्र अलौकिक और परालौकिक शक्तियों का केंद्र माना जाता है। इस मंदिर की महिमा को समझते हुए हम इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्यों इस मंदिर में और कैसे इस मंदिर में होती है तंत्र पूजा, और कैसे ये मंदिर रहस्यों के बीच घिरा हुआ है। टीम उस सच के इतना करीब पहुंच गई थी जिस सच में इंसान को मृत्यु और जन्म के बिल्कुल पार ले जाने की बात होती है। हम आपको सुनाते हैं वो कहानी, वो किस्सा, जहां पर लोग अपने आप को ईश्वर से जुड़ा मानते हैं, और ये भी बताएंगे आपको कि क्यों भरपूर रोशनी में माँ के दर्शन से अनिष्ट होने की संभावना होती है। जब संसार से मोह ही त्याग दिया, फिर क्या चाहिए इन्हें।
संसार से जब कोई रिश्ता ही नहीं तो फिर क्या लालसा है इन्हें। क्यों ये चले आते हैं बार बार नीलांचन पर्वत की खाक छानने। क्या होता है उन तीन दिनों में जिसके लिए करते हैं तमाम उम्र इंतजार। मंदिर का जो प्रांगण है वो तीन प्रमुख हिस्सों में बटा हुआ है, जो पश्चिमी भाग है वो बहुत बड़ा है, वहाँ पर पूजा भी होती है लेकिन आम लोग जो है वहाँ पर पूजा नहीं कर सकते। यहाँ विशेष तरह की पूजा होती है। क्या है वो विशेष पूजा जिसके लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, और क्यों उन दिनों में भक्तों को मंदिर में आने की इजाजत नहीं होती, क्यों नीलांचल पर्वत का कोना कोना तंत्र साधनों से मंत्र साधनों से गूंजने लगता है। सूर्य जब मृगशिरा नक्षत्र में जाता है तब शुरुआत के तीन दिन पृथ्वी को जनन के लिए तैयार माना जाता है, और खुद कामाख्या देवी माँ रूप में वहाँ पर है तो उनकी शक्ति इन तीन दिनों में उत्कर्ष मानी जाती है। सिद्धि की तलाश में जीवन होम करने वाले साधु साध्वी, तंत्र मंत्र करने वाले साधु संत, तांत्रिकों मांत्रिकों के लिए नीलांचल पर्वत का कण कण पूजनीय हो जाता है, और वो चले आते हैं यहाँ पर सिद्धि के लिए तप करने नीलांचल पर्वत की ओर। तंत्र शब्द ही अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है। तनोति इति तंत्रः, जो बहुत विस्तार करता है, एक छोटे कण को भी जो विस्तार प्रदान कर दे, कण से ब्रह्मांड बना दे, उसी को कहते हैं ये तंत्र। देखिए, तंत्र विद्या का समान तंत्र पद का अर्थ तनोति विपुलान अर्थान। यह हमारे यहाँ आगम बड़ी प्रसिद्ध और बहुत प्राचीन है, वेद कालों में इसकी चर्चा है। शैवागम हो, शाक्तागम हो, कौलागम हो, इस तरह के जो आगमिक परंपरा है उसी का अंग हमारा एक तंत्र विद्या है, या तंत्र उपनाम से जाना जाता है। जिन तीन दिनों को सिद्धि प्राप्ति के दिन माने जाते हैं उन तीन दिनों को अंबुवाचिक पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि तांत्रिकों के लिए ये तीन दिन अपनी अर्जित की हुई शक्तियों को अर्पित करने के लिए और नई शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उत्तम माना जाता है ये पर्व। तंत्र शब्द ही अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है। तनोति इति तंत्रः, जो बहुत विस्तार करता है, एक छोटे कण को भी जो विस्तार प्रदान कर दे, कण से ब्रह्मांड बना दे, उसी को कहते हैं ये तंत्र। देखिए, तंत्र विद्या का समान तंत्र पद का अर्थ तनोति विपुलान अर्थान। यह हमारे यहाँ आगम बड़ी प्रसिद्ध और बहुत प्राचीन है, वेद कालों में इसकी चर्चा है। शैवागम हो, शाक्तागम हो, कौलागम हो, इस तरह के जो आगमिक परंपरा है उसी का अंग हमारा एक तंत्र विद्या है, या तंत्र उपनाम से जाना जाता है। हर त्योहार वैसे तो बहुत खास ही मनाया जाता है, लेकिन क्या ये अंबुवाचिक पर्व जो है उसमें खास होता है, ये जानते हैं हम वहाँ के रहने वाले लोगों से। अंबुवासी मेला, अंबुवासी मेला में वो तो भगवती का उस टाइम जो रजस्वला होता है, रजस्वला का लिए मतलब
उस टाइम ये माना जाता है रजस्शला होता है भगवती का, तो उस टाइम ज्यादातर लोग जो साधना करने आते हैं साधना सिद्धि प्राप्त करने आते हैं। उन तीन दिनों में नीलांचन पर्वत तांत्रिकों के रहस्यमयी आवाजों से गूंजते रहता है और रात होते होते ये अलौकिक हो जाता है। अग्नि से दहकते विशाल अग्निकुंड और उसमें दी जाने वाली अद्भुत आहुतियाँ, वहां के पूरे वातावरण को अद्भुत बना देती है। मंदिर में ब्रह्मपुत्र के किनारे जंगल में हर तरफ तप साधना सिद्धि प्राप्ति की कोशिश। मंदिर में कामाख्या देवी के अलावा और 10 देवियों की मूर्ति स्थापित है, जिनमें माँ छिन्नमस्तिका, माँ बगलामुखी और माँ भैरवी के समक्ष पूजा को तांत्रिक अधिक प्रभावशाली मानते हैं। उनका विश्वास होता है कि इस पूजा के बाद उनके देह को, उनके शरीर को जन्म जन्मांतर के जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी और उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। जो मंदिर है ये तंत्र साधना और इसी तरह की पूजाओं के लिए दूर दूर तक मशहूर है, लेकिन गुवाहाटी से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर एक ऐसा छोटा सा गांव है जहाँ पे थी बताया जाता है कि तांत्रिक क्रियाएं की जाती है। ये जो गांव है इसका नाम है मयोंग और इस गांव में इतने रहस्य हैं कि कई बार तो ऐसे लगता है कि रहस्य का जो विस्तृत संसार है वो भी इस गांव के रहस्य के सामने छोटा पड़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव का नाम जो है माया से लिया गया है और जिसका कि अर्थ होता है भ्रम। ऐसा सुनाई दिया जाता है कि कभी ये जगह 8वीं और 9वीं शताब्दी में हिंदुओं और बौद्धिक तांत्रों की कर्मस्थली थी। अगर आप इस छोटे से गांव में जाएं तो ये शांत दिखने वाला गांव जो है इसकी जो चट्टाने हैं वो उस बात का गवाह है। ये बात तो किताबों में भी दर्ज हो गई है लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसे सबूत मिलते हैं जो कि बताते हैं कि इस गांव का सच क्या है। हम आग से देखा है, हम तो एजुकेटेड आदमी है, हम आग से देखा है। क्या पहले देखा है, बाघ बन रहा, हम गया है देखने के लिए। अच्छा। जब हम सुता है। अच्छा। हम गया है, 3 बाघ मोटो से बांध रहता है हमें। अच्छा। वो भी इसका नाम है बागडूबी। बागडूबी में हम गया। अच्छा। जब हम क्लास 4 में पढ़ता है इसी टाइम में हम गया देखने के लिए। अच्छा। 1960 लास्ट मैं का बाग बंधा मंत्र है लास्ट। ऐसा यहाँ सुनाई देता है कि यहाँ पे लोग गायब हो जाते हैं या जानवरों में बदल जाते हैं या रूप बदल के इंसानों के बीच में ही रहने लगते हैं और इसी वजह से इस गांव का नाम दुनिया भर में डर और हैरत से लिया जाता है। जो इस गांव में हो चुका है वो अभी भी पांडु लिपियों की शक्ल में मौजूद है लेकिन अब उनको समझने वाले लोग शायद बहुत कम रह गए हैं। तिलक हजारिका जो है वो उसी सभ्यता को अभी भी लोगों के बीच में जीवित रखना चाहते हैं, प्रेजेंट जेनरेशन को बताना चाहते हैं कि उनका पास्ट कैसा है और कभी कभी वो ऐसे अपने अनुभव से बात कहते हैं जो कि सुनने वालों के होश ही उड़ा देता है।
हम देखा है एक पीतल का बासन में ऐसे माने गाखी दूध लेकर प्रमाण खीर बनाता है ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे वो तो ऐश्वर्य शक्ति नहीं अद्भुत शक्ति नहीं है ऐसे हाथ देखा ऐसे दिया हम कलपात में लिया है कलपात जल गया। इस गांव की जो पास्ट की कहानियां है वो हमें डराती हैं, लेकिन यहाँ के लोग बताते हैं कि अब तो टाइम इट इज चेंजिंग। लेकिन हमने इस गांव का जिक्र इसलिए किया कि जिस हम तंत्र साधना की बात कर रहे हैं आज के शो में, वो सब कुछ इस गांव के अंदर सिमट के आ जाती है। ये हम लोग नहीं मानते हैं कि तंत्र मंत्र से काला जादू का प्रयोग नहीं हो जाता है। काला जादू का विज्ञान साइंस का एक बात है और हाथ का सफाई है कि तंत्र मंत्र सिर्फ हाथ का सफाई नहीं है। ये तंत्र मंत्र हाथ का सफाई नहीं, ये बहुत साधना का चीज है, ये भी ये आपका साइंस है। ये जो कामाख्या देवी का मंदिर है वो मन्नतों से अधिक सिद्धि का मंदिर है। दोस्तों, तंत्र साधना या तांत्रिक विद्याएं और काला जादू में बहुत ज्यादा ही फर्क है। लोग जो है साधना और जादू में फर्क भूलते जा रहे हैं, इसलिए हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन की जो सोच है उसमें वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। लेकिन इस बात का इतिहास तो दोस्तों बहुत ही पुराना है। जैसे ही हम तंत्र मंत्र की बात करते हैं, जाड़ फूड़ करने वाले अजीब से दिखने वाले तांत्रिक की जो इमेज है वो आंखों में घूमने लग जाती है। हम कंकाल, खोपड़ी और धुएं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। टोना टोटका, ब्लैक मैजिक, काला जादू जिसे कहते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। पर क्या वाकई में तंत्र यही है? मंत्र के द्वारा या किसी इष्ट के द्वारा हम किसी भी कार्य की सिद्धि कर लें, वो तंत्र है। इसकी मूल उत्पत्ति भगवान शंकर से ही है। ये आगम जो आया, आगम जिसको हम शास्त्रों में कहते हैं, एक तो निगम है वो वेद है और आगम तंत्र ही है। ये भगवान शंकर के मुख से निकले हुए हैं। आ का अर्थ होता है आगमन और ग का अर्थ यहाँ गति से है और म का अर्थ माया से है। तंत्र की प्रसिद्धि कई अर्थों में है। साधक जब अपनी साधना को पूर्ण कर लेता है और साधक और साधना के बीच के जितने भी सारे विनियोग हैं, जितने भी मंत्र हैं, जितने भी उपाख्यान हैं, जितने भी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी आसन हैं, जितने भी स्थान हैं, इनकी एक विस्तृत परिचर्चा है और ये हमारे संस्कृत वाङ्मय में बहुत बृहत रूप में प्राप्त होती है और जिससे साधक साधना की सिद्धि या साधना के मार्गों में जो जो उपक्रम आते हैं सारे विषयों का वर्णन हमारे तंत्र आगम में प्राप्त होता है। दरअसल अगर तंत्र को अंधविश्वास या ब्लैक मैजिक से जोड़ा जाता है तो इसके पीछे कई वजह है और सबसे बड़ी वजह ये है कि इसको छुपा कर रखना, यानी कि गोपनीय रखना सबसे बड़ी वजह माना जाता है। क्योंकि तंत्र में बहुत कठिन साधना की जाती है, बहुत कठिन साधना है, इसीलिए इसे हमेशा गोपनीय रखा जाता है। और जो लोग आंखों से नहीं देखते उससे हमेशा डर कर रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है ढोंगी तांत्रिकों की भरमार। ये कहे जाने वाले तांत्रिक ना तो साधना करते हैं और ना ही इन्हें वाकई में कोई ज्ञान होता है, फिर भी बीमारियों को दूर करने के बहाने लोगों का इलाज करते हैं। ऐसी खौफनाक कलाओं को अगर कोई तंत्र का नाम दे दे तो उसे काला क्यों ना समझा जाए। तंत्र के बहुत बड़े ज्ञानी
और उनके बाद मैं हम लोग भी ये संस्कृत वाङ्मय के लोग ये मानते हैं कि तंत्र विद्या का जो प्रचार प्रसार है वो बहुत कम रहा, साधक बहुत ही कम नगण्य से हैं, और जो समाज में आज तंत्र का स्वरूप आपको दिख रहा है वो उसमें सच कह सकते हैं कि बहुत मात्रा में ढोंग है। वो तंत्र की आड़ में व्यभिचार करते हैं, तंत्र के आगमन में आड़ में दिखावा करते हैं। पश्चिमी देशों में तांत्रिक शक्तियों को शारीरिक सुख के रूप में देखा जाता है और यही एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है, इन सब शक्तियों की गलत वजह निकालने की बहुत बड़ी वजह मानी जा सकती है। तंत्र दो शब्दों को मिलाकर बना है, तन यानी कि विस्तार या फिर फैलाव, और त्र यानी कि बिना रुकावट। तंत्र अनंत से जोड़ने का जरिया है। सच पूछो तो तंत्र साधना तभी की जा सकती है जब अहंकार को खत्म कर दिया जाए। इसके लिए मैं को मानना होता है। यूं तो भारत में जो तंत्र का इतिहास है वो भगवान शिव तक जाता है, लेकिन जो लिखित इतिहास है वो मध्यकालीन है, जब तंत्र को जीवन समस्याओं के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। सम्मोहन, वशीकरण और उच्चाटन के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। कहा जाता है कि तंत्र साधना बहुत कठिन है। एक वक्त पर सिद्ध तांत्रिक हुआ करते थे, कहते हैं कि आज भी इस नीलांचल पर्वत पर कई साधक साधु साधना कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल सामान्य दिखते हैं और अपनी पहचान भी जाहिर नहीं करना चाहते। कामाख्या देवी के मंदिर में वो दर्शन के लिए रोज आते हैं, लेकिन किसी आम भक्त के रूप में। दोस्तों, विश्वास करें तो ईश्वर और ना समझें तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक प्रतिमा। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड आपके फेवरेट शो मानो या ना मानो का। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और मैंने और मीनल ने आपको आज सुनाई असम के कामाख्या देवी मंदिर का रहस्य। अगर आपको हमारे शो के रिकॉर्ड्स कोई फीडबैक देना हो तो आप हमें मेल सेंड कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है mail@radioudan.com। तो दीजिए इजाजत हम दोनों को समेटने की आज का शो। मिलेंगे हम आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन, ठीक इसी समय और ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, और शो होगा आपका फिर वही फेवरेट मानो या ना मानो। और उस शो में हम एक नई कहानी आपको सुनाएंगे, नए किस्सों की चर्चा करेंगे उस शो में। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए, इसलिए आपसे
सागवान की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। सक्षम लॉन्च करने जा रहा है इंडिया का बिगेस्ट ऑनलाइन पोर्टल, जो कि डेडिकेटेड होगा स्पेशली टू विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस। और जैसा कि आप लोगों की तमाम दिक्कत और परेशानियां थी, आप लोगों को हमारे से कनेक्ट होना पड़ता था, कोई भी प्रोडक्ट यदि आपको रिक्वायरमेंट होती थी आपको हमारे से या तो फोन या फिर ईमेल के थ्रू कनेक्ट होना पड़ता था, तो आपकी उन सब दिक्कतों और परेशानियों को समझते हुए हम ये ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी अधिक जानकारी आपको नुपुर मैम देंगी। बिल्कुल सही कहा ईशांत ने, पहले हमें बहुत दिक्कतें आती थी ऑर्डर प्लेस करने में, जैसे कि पहले ऑर्डर प्लेस करते थे आप, फिर पेमेंट कंफर्म करते थे और उसके बाद शिपमेंट होती थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता था। लेकिन अब आपको विद इन अ मिनट ये सॉल्यूशन मिल रहा है इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, यानी कि बाकी वेबसाइट्स के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग की तरह ही आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, फिर अपनी पेमेंट भी वहीं पर कर सकते हैं, कंफर्मेशन हो जाती है और फिर तुरंत ही आपको शिपमेंट का भी स्टेटस पता चल जाएगा। बाकी अनिल आपको जानकारी देता है। दोस्तों दिक्कत ये भी आती थी कि आप सोचते थे कि ये प्रोडक्ट कैसा होगा, दिखता कैसा होगा, उसकी वेट किसे कितनी होगी, हाइट कितना होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी और वो दिखने में कैसा होगा, तो ये सारी समस्याओं का समाधान इस पोर्टल पर है। तो आप लोग खुद इस पोर्टल पे वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, ये एक्सेसिबल है। इंतजार कीजिए, हम आ रहे हैं इस नए पोर्टल के साथ। मैं आनंद आठलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का माननीय सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 02266838637। The Digital Library of the National Association for the Blind Delhi has thousands of audiobooks for the use of our blind and visually impaired friends to listen, learn and grow. One such book is Indian Art and Culture by Nitin Singhania, which is extremely useful for the civil services preliminary and main examinations. This book covers the syllabus of Indian Heritage and Culture for General Studies Paper 1. It offers comprehensive information on India's visual arts, performing arts, culture of India, architecture and much more. We invite our visually impaired friends to contact NAB Delhi on mobile number 9212-319-671 or download it from www.sugamyapustakalaya.in. Thank you. बंधन के मुटियाराय बटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके बंधन के मुटियाराय बटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके मेरे सोनिया सोनिया वे वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना मेरे सोनिया सोनिया वे वे माई मेरा किते नहीं ओ दिल लगना जावी छोड़ के ना
तेरे नाल रहना वे तू शिंगार मेरा तू है माई गहना वे जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे तू शिंगार मेरा तू है माई गहना वे है दूरी है वैरी जिन्ना तू मेरा उन्नी मैं तेरी मेरे सोनिया सोनिया वे वे माई मेरा कितने नहीं ओ दिल लगना मेरे सोनिया सोनिया वे माई मेरा कितने नहीं ओ दिल लगना तेरा रास्ता वे नंगे पैर तुरना वे तू है नाल मेरे ता मैं क्यों है डरना वे तेरा रास्ता वे नंगे पैर तुरना वे तू है नाल मेरे ता मैं क्यों है डरना वे हाय दोनों ने रोना दोनों ने हंसना सबनू वे दसना मेरे सोनिया सोनिया वे वे माई मेरा कितने नहीं ओ दिल लगना मेरे सोनिया सोनिया वे वे माई मेरा कितने नहीं ओ दिल लगना वे माई मेरा कितने नहीं ओ दिल लगना वे माई मेरा कितने नहीं ओ दिल लगना हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों आजकल बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे समझता नहीं था हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था है सीने में दिल भी कहां थी मुझे ये खबर कहीं पे हो राते कहीं पे सवेरे आवारगी रही साथ मेरे ठहर जा ये कहती है तेरी नजर क्या हाल हो